दोस्तों, जब हमारा फूल एक सॉलिड फाउंडेशन और एक स्टेबिलिटी लाता है अपने जीवन में और अपने जीवन के हर पहलू में, सडनली उसके मन में एक भय उत्पन्न होता है कि अगर मैंने जो कुछ भी बनाया है वो खो गया तो, या अगर मैंने जो बनाया है वो उतना अच्छा नहीं है जितना मैं सोच रहा हूं तो। ये सोचते सोचते वो एक मंदिर पहुंचता है जहां पर उसे हायरोफैंट मिलता है। हायरोफैंट एक वाइज होली व्यक्ति जो उससे ये कहता है कि या तो जो भी तुमने बनाया है उसको खोने का डर छोड़ दो, या फिर ये सोचो कि अगर वो खो भी जाएगा तो उसके बाद तुम्हारे पास क्या शेष रह जाएगा, क्योंकि जो कुछ तुम्हारे एक्सपीरियंसेस हैं और जो तुम्हारा परिवार है वो तो तुम्हारे पास रह ही जाएगा। हमारे फूल की इस कहानी से, इस टैरो स्टोरी से हमें ये पता चलता है कि हायरोफैंट जो है एक टीचर है, अध्यापक है, प्रीस्ट है, एक एडवाइजर है, हमें राह दिखाता है। ये वो उत्तर है जो हमें तब आता है जब हमारे जीवन में बहुत प्रश्न हो और बहुत कठिनाइयां हो, प्रॉब्लम्स हो। दोस्तों, 5 माइनर आर्काना भी प्रॉब्लम्स को ही दर्शाते हैं और प्रश्नों को दर्शाते हैं, वो भी मन के अंदर के भय को दर्शाते हैं, खो जाने को दर्शाते हैं, खो जाने के भय को दर्शाते हैं। हायरोफैंट कार्ड इसी के साथ साथ शिक्षा का भी और हमारे बिलीफ सिस्टम का भी कार्ड है, हमारी फैमिली परिवार का और परिवार के साथ घुल मिल करके चलने का कार्ड है। दोस्तों, ये हायरोफैंट।